हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं अपने विंडो 10 लैपटॉप में या कंप्यूटर में अनयूज फाइल को डिलीट कैसे करें। आप रिसाइकल बिन में तो फाइलें जो है डिलीट कर देते हैं, लेकिन अनयूज फाइल को डिलीट कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोग को पता नहीं है। तो देखिए, मैं यहां पर रिसाइकल बिन में देखिए ये सारी चीजें हैं, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। और मैं आप लोग को यहां पर एक और तरीका भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने पीसी से लार्ज फाइल जो अनयूज है, जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहां पर विंडोज पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे इस साइड में आपको विंडो 11 वाले चीजों में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज का। अगर आपके पास विंडो 10 है तो आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे स्टोरेज। ओके, सिंपली आप यहां पर स्टोरेज लिखेंगे यहां पर तो आपको स्टोरेज सेटिंग मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहां पर स्टोरेज का ऑप्शन आ जाएगा। विंडो 10 की बात किया जाए तो इसमें आपको सर्च करना है। विंडो 11 में जैसे आप यहां पर सेटिंग पर जाएंगे तो आपको सामने स्क्रीन पर ही स्टोरेज स्पेस ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन वाला जो ऑप्शन है आपको यहां पर मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज की सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में दोनों में सेम ही दिखाई देगा, कोई भी अलग दिखाई नहीं देगा। अब देखिए यहां पर स्टोरेज जो है सेंस के नीचे आपको क्लीनअप रिकमेंडेशन दिखाई दे रहा है ओवर 1.0 GB, यानी कि स्टोरेज अवेलेबल मतलब 1 GB स्टोरेज अवेलेबल। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहां पर डाउनलोड रिसाइकल बिन एंड डायग्नोस्टिक डाटा व्यूअर डेटाबेस फाइल दिखाई दे रहा है। डाउनलोड वाली फाइल आपको डिलीट नहीं करनी है। हो सकता है कि आपका इंपॉर्टेंट पर्सनल जो है डाउनलोड फाइल हो, जैसे इसमें जो है इमेजेस हो सकता है, वीडियोस हो सकता है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। ये आपको सी ड्राइव में डाउनलोड जो फोल्डर है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। रिसाइकल बिन को आप यहीं से सिंपली इसको क्लीन अप कर सकते हैं। बहुत ही मतलब आसान है, जरूरी नहीं है कि आप डेस्कटॉप पर से ही इसको क्लीन अप करें। इसके नीचे ही आपको लार्ज एंड अनयूज फाइल का जो है ऑप्शन मिलता है जिसको हम डिलीट करने वाले हैं। तो सिंपली आपको यहां पर एरो वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद से आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर या फिर पीसी की स्क्रीन पर इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएगा और जिन फाइलों को आप लोग जो है अनयूज मतलब जिसको यूज नहीं करते, जो अनयूज है बिल्कुल, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप यहां पर जो है यहां पर ये देखिए इस तरीके से 77 MB का है, 9.41 MB का है, 9.3 MB का है। तो इन सारी चीजों को आप यहां से डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये सारी जो है अनयूज फाइल है। यहां पर टोटल मिलाकर 111 MB की अनयूज फाइल आपके कंप्यूटर में मतलब मेरे कंप्यूटर में है। आपके कंप्यूटर में कुछ अलग हो सकती है। सी मोर फाइल पर क्लिक करेंगे तो और भी फाइलें यहां पर दिखेगी जिसको आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। जो लगे कि आप यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है तो आप इसको यहां अनचेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपली यहां से डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर सिंपली क्लीनअप 125 MB पर क्लिक करेंगे। यहां पर बोलेगा क्या आप वाकई अपने कंप्यूटर से जो इस अनयूज फाइल है जो सेलेक्ट किया है उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सभी जो सिलेक्टेड फाइलें हैं वो पूरी पूरी परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। तो एक बार आप जो है चेक कर लीजिएगा, उसके बाद से अगर श्योर हो जाए तो इसको जो है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये सभी फाइलें जो है यहां से डिलीट हो जाएंगी जो कि अनयूज है। इसके अलावा यहां से हमने रिसाइकल बिन वाला जो फाइलें हैं उसको भी हमने यहां से डिलीट कर दिया। तो ये तरीका है जहां से आप जो है अनयूज फाइल डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर अनयूज ऐप हैं जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी बैकग्राउंड में डाटा जो है आपका खाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर व्हाट्सएप मैं इस्तेमाल नहीं करता अपने पीसी पर, ये डायग्नोस्टिक डाटा से व्यूअर है वो भी मैं इस्तेमाल नहीं करता, मेल एंड कैलेंडर भी इस्तेमाल नहीं करता, तो इन तीनों को मैं यहां से जो है सेलेक्ट कर लूंगा और टोटल मिलाकर जो है 434 MB की जो है अनयूज ऐप है जो हमारे लैपटॉप में जिसका इस्तेमाल मैं नहीं करता हूं, तो मैं इसको चाहता हूं डिलीट करना। तो मैं सिंपली इसको क्लीनअप पर क्लिक करूंगा तो ये भी क्लीन हो जाएगा। अब यहां पर भी आपको एक बार देख लेना है कि क्या वाकई में आप इसका इस्तेमाल आगे नहीं करेंगे तो द सिलेक्टेड ऐप एंड देयर डाटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड, यानी कि ये डिलीट हो जाएगा। तो एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, उसके बाद से अगर आप श्योर हैं कि आपको इन सभी ऐप की जरूरत नहीं है तो आप सिंपली इस पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आप अपने लैपटॉप से यानी विंडो 10 या विंडो 11 से अनयूज ऐप को भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो ये था तरीका जिससे हम अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में अपना जो अनयूज फाइल है अनयूज ऐप है उसको डिलीट कर सकते हैं। ये फाइलें मैंने अनचेक कर दिया था इसलिए ये डिलीट नहीं हुई है। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपने लैपटॉप में या फिर विंडो 10 या विंडो 11 में अनयूज फाइल को डिलीट कैसे करते हैं और अनयूज ऐप को डिलीट करते हैं। इस टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम के पतिपति और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है।